हेलो स्टूडेंट, तो मेंटल इलनेस मतलब मानसिक रोग जो भी होते हैं उसको दो बड़े ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो साइकोसिस होता है और दूसरा न्यूरोसिस होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम साइकोसिस और न्यूरोसिस दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरे टीचिंग की टेक्निक जो है वो समझ में आती है तो कमेंट करना। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है उसके और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज हम दो सब्जेक्ट जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जो बना रहा हूँ मैं उस पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोसिस और न्यूरोसिस दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अगर डिफरेंस की अगर बात करें, सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन या टाइप जो है वो, तो साइकोसिस जो होता है वो क्या, एक प्रकार का सीवियर मेंटल इलनेस। सीवियर मेंटल इलनेस मतलब एक प्रकार की गंभीर मानसिक रोग होता है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति का ईगो फंक्शन जो होता है, ईगो फंक्शन ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, सिगमंड फ्रायड ने एक थ्योरी दी थी ईड ईगो और सुपर ईगो। तो इसमें जो ईगो होता है जो कि क्या करता है कि वास्तविकता के ऊपर कार्य करता है, मतलब जो कॉन्शियस माइंड के अंदर जो काम करने वाला होता है वो ईगो ही होता है। और ये ईगो जो होता है वो फिर क्या करता है कि ईड जो होती है, ईड जो कि हमारी प्राथमिक सोच होती है या ये कह सकते हैं जो भी इच्छाएं होती है, हमारी प्राथमिक इच्छाएं जो भी होती है वो ईड है। और सुपर ईगो जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें कार्य करता है। जब हम किसी नियमों के अंदर बन जाते हैं या किसी प्रिंसिपल सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं, जैसे ईमानदार रहना, झूठ नहीं बोलना, तो ये क्या होता है कि जैसे हम कुछ काम करते हैं तब ये चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर रहती है। तो इस ईगो जो होता है वो क्या होता है, इसमें संतुलन बनाने का काम करता है। यही ईगो जो होता है जो संतुलन बना रहा है वही क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वही प्रभावित होता है। इसके बारे में डिटेल में अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी थी उसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा इसमें क्या होता है, माल एडजस्टमेंट जो है वो भी दिखाई देता है। तो दोनों कंडीशन होती है इसमें, ईगो फंक्शन भी प्रभावित होता है साथ ही साथ माल एडजस्टमेंट जो है, माल एडजस्टमेंट मतलब कुछ समायोजन, नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो एडजस्टमेंट जो है समायोजन नहीं कर पाता है। तो एक तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक वैसा ही यदि न्यूरोसिस जो है उसकी अगर डेफिनेशन देखते हैं तो न्यूरोसिस क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस होती है, मतलब ये मध्यम प्रकार की एक इलनेस होती है, इतनी सीवियर नहीं होती। इसमें ईगो फंक्शन जो है वो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, मतलब ज़्यादा हल्का ही प्रभाव होता है, ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ एडजस्टमेंट जो होता है वो भी उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, मतलब माल एडजस्टमेंट और ईगो फंक्शन उन दोनों में इंपेयरमेंट जो होता है वो क्या होता है, कम ही देखने को मिलता है। तो एक तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हो जाएगी। सेकंड कॉज कि कॉज के अंदर क्या अंतर है, तो साइकोसिस जो होता है वो दोनों कारणों से हो सकता है। एक तो ऑर्गेनिक कॉज भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कॉज मतलब ब्रेन जो है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन है, जैसे मेनिंजाइटिस कंडीशन होगी, एनसेफेलाइटिस कंडीशन होगी, ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन है, या ब्रेन जो है उसके केमिकल जो है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कारण से भी हो सकता है, या साइकोजेनिक भी हो सकता है। साइकोजेनिक मतलब रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बच्चा जो है उसके पेरेंट्स जो है उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, या उसके सामाजिक संबंध जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, तो उसके कारण से भी हो सकता है। मतलब दोनों कारणों से साइकोसिस हो सकता है। जबकि न्यूरोसिस जो होता है वो यूजुअली ज़्यादातर क्या होता है, साइकोजेनिक होता है, मतलब इसके पीछे कोई साइकोजेनिक कॉज होता है। खास करके स्ट्रेस जो होता है, तनाव, वो सबसे बड़ा कारण होता है, तनाव जो है या एंजाइटी जिसको कहते हैं, तो उसके कारण से ही न्यूरोसिस होने की संभावना रहती है। तो ये तो कॉज जो इसके अंदर डिफरेंस हो जाएगा। अगला अगर डिफरेंस अगर देखते हैं इसके सिम्टम जो है मतलब लक्षणों में क्या अंतर होता है, तो पहला जो होता है वो ईगो फंक्शन अगर देखते हैं तो साइकोसिस के अंदर ईगो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इम्पेयर्ड रहता है, मतलब उसका ईगो जो होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता। ईगो का मतलब होता है यहाँ अहम। एक एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो हम जो है वो गाली देते हैं तो गाली देते समय हम क्या कहेंगे, विचार करते हैं यदि मैं गाली दूंगा तो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, बुरा सोचेंगे, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर हम फिर क्या करते हैं, गाली जो है वो नहीं देते हैं। तो ये क्या होता है कि मैं जो होता है मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे या मेरी लोग प्रशंसा करें, तो ये जो शब्द आ रहा है वो क्या, कौन करवा रहा है, हमसे ईगो करवा रहा है। और उसी के कारण से क्या होता है कि हम समाज सम्मत कार्य करते हैं या दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके जो फंक्शन जो होते हैं कार्य वो कार्य करते हैं या उस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं। साइकोसिस के अंदर ये क्या होता है, ईगो फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब ईगो फंक्शन तरीके से काम नहीं करता है। उसी कारण से आपने देखा होगा कि पागल लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, पत्थर भी मार देते हैं, मतलब कोई भी ऐसा काम करते हैं उनको ये नहीं पता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे या मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, उस बारे में वो चिंता नहीं करते हैं। ठीक उसके विपरीत न्यूरोसिस जो है उसके अंदर क्या होता है, ईगो फंक्शन जो होता है वो पूरी तरह से इम्पेयर नहीं होता है, हल्का सा इम्पेयर होता है, मतलब पार्शियल इम्पेयर होता है। किसी किसी कंडीशन के अंदर तो ईगो फंक्शन जो होता है पूरी तरह से फंक्शन कार्य करता है, वो मानसिक बीमार तो है, साथ ही साथ उसको ये भी पता होता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे क्या कार्य है, उन सब का उसको क्या रहता है, पता रहता है। तो एक तो ये हो जाएगा। अगला अगर रियलिटी टेस्टिंग अगर देखें, वास्तविकता से
कैसा है व्यक्ति। तो साइकोसिस के अंदर तो क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है, पर प्रेजेंस जो है वर्तमान के अंदर क्या चल रहा है, क्या स्थितियाँ हो रही है, उससे बिल्कुल ही क्या होता है अनभिज्ञ रहता है। उसको समय का भी नहीं पता कि वास्तव में अभी कितना टाइम हो रहा है। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो साइकोसिस के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी बीमारी जो है मानसिक रोग उसके प्रति क्या होता है अवेयर नहीं रहता, मतलब उसको नहीं पता होता कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ या मुझे कोई मानसिक रोग हो गया। जबकि उसके विपरीत न्यूरोसिस जो है उसके अंदर तो क्या होता है कि रियलिटी टेस्टिंग जो होती है वास्तविकता वो क्या होती है प्रेजेंस होती है उपस्थित होती है। उसके कारण से व्यक्ति जो है वो अपनी बीमारी के प्रति क्या होता है अवेयर रहता है, मतलब उस व्यक्ति को पता होता है कि मुझे इस प्रकार की बीमारी है या मुझे फोबिया है या मुझे एंजाइटी या मुझे तनाव में, तो उस चीज़ों का क्या होता है न्यूरोसिस के अंदर उसको पता रहता है। अगला जो अंतर होता है वो इनसाइट होता है। इनसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि या सूझबूझ जिसको कह सकते हैं। वो नॉर्मली हम देखते हैं हम क्या करते हैं यदि सर्दी लग रही है तो सर्दी के अंदर क्या करेंगे हमारे पास स्वेटर तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, मतलब हमारी सूझबूझ जो होती है उसने क्या किया स्वेटर पहन लो सर्दी कम लगेगी। ठीक, तो साइकोसिस के अंदर ये इनसाइट जो होती है सूझबूझ क्या होती है एब्सेंट रहती है उनमें। एग्जाम्पल के लिए जैसे पागल लोग जो है उनके पास यदि कपड़े भी है उनको ठंड लग रही है तो वो उसको पहनते नहीं है, वो क्या करते हैं खुले घूमते ठंड के अंदर भी। क्यों घूम रहे खुले, क्योंकि उनको ठंड नहीं लग रही है, ठंड जो उनको एहसास होना चाहिए या सूझबूझ के मुझे ठंड लग रही है स्वेटर पहनना चाहिए वो सूझबूझ उसके अंदर क्या होती है होती नहीं है उसके कारण। तो ठीक उसके विपरीत न्यूरोसिस के अंदर क्या होती है कि इनसाइट जो है प्रेजेंस रहती है, व्यक्ति अपनी छोटी मोटी जो भी समस्याएं जो भी हो है वो उसको समाधान करता है अपनी सूझबूझ का उपयोग करता है। जैसे भूख लगने पर वो खाना बना लेगा और खाना बना के खा लेगा, मतलब खाना बनाने की उसको जो कहने वाला जो है वो कौन है उसकी इनसाइट जो है वो हो जाएगी। तो ये इनसाइट जो है वो साइकोसिस में तो नहीं रहती जबकि न्यूरोसिस के अंदर प्रेजेंट रहती है। अगला डिफरेंस जो होता है वो होता है परसेप्शन जो होता है वो, तो परसेप्शन से रिलेटेड कुछ सिम्टम जो होते हैं वो दिखाई देते हैं या परसेप्शन में इरोड जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे साइकोसिस के अंदर तो क्या होता है परसेप्शन जो उसके अंदर इल्यूजन और हेलुसिनेशन होता है। इल्यूजन का तो सिंपल अर्थ ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका मिसपरसेप्शन होता है, मतलब फाल्स या झूठा परसेप्शन होता है, या ऑब्जेक्ट तो है लेकिन उसका गलत दिखाई देता है। जैसे कि कोई रस्सी जो है वो सांप दिखाई देती है। नॉर्मली इल्यूजन जो है एक सामान्य प्रक्रिया होती है, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसकी उपस्थिति में दिखाई देता है, जैसे कि अंधेरे का टाइम में रोशनी कम है और रस्सी सांप दिखाई दे तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन यदि सही कंडीशन है एनवायरमेंट में लाइट बराबर है उसके बाद भी रस्सी सांप दिखाई देती है तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है उसको किसी प्रकार का कोई मानसिक रोग है। इसके अलावा एक हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन जो है वो विभ्रम होता है, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसको ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जैसे भूत जो है वो दिखाई देता है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर कि पागल लोग जो है वो क्या करते हैं किसी से बात करते हैं। बात क्यों करते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है हेलुसिनेशन होता है, उनको यूँ लगता है कि वो किसी से बात कर रहा है, सामने वाला उनको बात कर रहा है तो उस कारण से उससे बात भी करते हैं। कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, किसी को गालियाँ देते हो तो गालियाँ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि कोई सामने वाला व्यक्ति है उनको गालियाँ दे रहा है। तो उनको इस प्रकार का क्या होता है भ्रम होता है या हेलुसिनेशन होता है और उसके कारण से वो गालियाँ जो है वो देते हैं। तो साइकोसिस के अंदर तो इल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, जबकि न्यूरोसिस जो है उसके अंदर ये क्या रहते हैं एब्सेंट रहते हैं, मतलब न्यूरोसिस की कंडीशन में हेलुसिनेशन और इल्यूजन जो है वो दिखाई नहीं देते। ठीक वैसा ही थॉट अगर देते हैं विचारों के अंदर, तो विचारों में जो डिफरेंस अगर देखते हैं तो साइकोसिस के अंदर डिल्यूजन जो है वो प्रेजेंट रहता है। डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स और फाल्स थॉट जो होती है, मतलब एक प्रकार की एक सोच बन जाती है उसको डिल्यूजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति जो है वो अपने आप को राजा मान लेता है, फिर राजा मानने के बाद वो राजा की तरह सोचने लग जाता है और राजाओं का जैसे व्यवहार करने लग जाता है, राजाओं से जैसे दूसरों के साथ बातें करने लगता है, मतलब उसकी थॉट जो है विचार जो है वो क्या हो गया एक जगह पर फिक्स हो गए और वो अपने आप को वही मानने लग जाता है। तो इस प्रकार की थॉट जो होती है वो साइकोसिस के अंदर तो क्या रहती है प्रेजेंस रहती है। इसके अलावा साइकोसिस के अंदर फ्लाइट ऑफ आइडिया भी होता है, मतलब विचार जो होते हैं वो तेजी से क्या होते हैं बदलते रहते हैं। एक विचार आया उसके बाद तुरंत दूसरा विचार आने लग जाएगा। बातें भी वो उसी प्रकार से करता है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ या मैं तो ये राजा बन गया हूँ, ये मेरी पूरी सेना है, तो इस प्रकार की बातें वो करने लगता है। तो वो तो एग्जाम्पल हो जाएंगे साइकोसिस जो होता है वो, तो डिल्यूजन और फ्लाइट ऑफ आइडिया, और इसके अलावा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन जो होता है, मतलब उसकी जो बातें रहती है उसके बीच में क्या होता है कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, एक बात कहीं और जा रही है दूसरी बात कहीं और जा रही है। कभी कभी क्या करता है वो बातें जो करता है तो एक तरह से बात करते करते अचानक से दूसरी बात करने लग जाएगा, घर की बात कर रहा है बाहर की बात करने लग जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है उसकी जो बातें होती है उसके बीच में क्या होता है एसोसिएशन जो है वो नहीं रहता है। जबकि न्यूरोसिस जो होता है उसके अंदर इस प्रकार की कोई चीज़ जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती, मतलब न तो डिल्यूजन होता है न फ्लाइट ऑफ आइडिया की कंडीशन होती है, वो नॉर्मल रहता है, मतलब थॉट के अंदर ज़्यादा विचार जो है वो आते नहीं। हाँ एंजाइटी वाला थॉट जो होता है वो आ सकता है कि पर्सन जो होता है वो क्या एक फिक्स एंजाइटी जो है या एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाए तो वो कंडीशन आ सकती है, बाकी डिल्यूजन जो होता है वो उसमें प्रेजेंट नहीं रहता।
अगला अफेक्ट की बात करते हैं। अफेक्ट मतलब उसके व्यवहार जो है उसके अंदर किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है या व्यवहार के अंदर बदलाव। तो यहाँ पर साइकोसिस के अंदर उसके व्यवहार के अंदर अचानक से बदलाव आता है। कभी तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, खुश होने हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसेगा, खुश होता है। उसकी जगह कभी कभी क्या हो सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है, एकदम गुमसुम हो सकता है, बोलना बंद कर सकता है। कभी कभी क्या कर सकता है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग सकता है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, उसका जो व्यवहार जो होता है उसके अंदर क्या होता है, अचानक से बदलाव आता है। कभी अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लग सकता है, कभी अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लग सकता है, कभी एकदम गुमसुम हो जाएगा, किसी से बातचीत जो है वो बंद कर देगा, तो इस तरह का व्यवहार जो है वो करने लगता है। कभी कभी पत्थर लेकर लोगों को मारने भी लग सकता है। कभी एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब हाइपर एक्टिव हो जाएगा, एक्टिविटी जो भी है वो बहुत तेज़ी तेज़ी से करने लगेगा, चल रहा है तो बहुत अचानक से दौड़ने लगेगा। तो इस प्रकार का व्यवहार जो है वो साइकोसिस के अंदर कर सकता है। जबकि न्यूरोसिस के अंदर जो व्यवहार में बदलाव आता है वो सिचुएशन के अनुसार आता है। मतलब उस समय उसकी सिचुएशन कैसी है, जब उसके सामने कोई विकट परिस्थिति आती है या बहुत ज़्यादा तनाव में आता है वो या बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तो हो सकता है कि उस समय क्या रहे, वो एकदम से गुमसुम हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए। तो मतलब जैसी सिचुएशन आएगी उसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार जो उसके अंदर बदलाव आएगा। तो एक तो ये अंतर जो है वो हो जाएगा। अगला एडजस्टमेंट की अगर बात करते हैं, व्यक्ति जो उसके एडजस्टमेंट के समायोजन किस प्रकार के कर पा रहा है अपने एनवायरनमेंट के साथ या दूसरे लोगों के साथ, तो साइकोसिस का पेशेंट जो है उसके अंदर वोकेशनल एडजस्टमेंट जो होता है, वोकेशनल का मतलब यहाँ व्यवसायिक हो जाएगा या जो उसके काम जो होते कार्य काम धंधा उस पे हो जाएगा। तो व्यक्ति सही तरीके से काम धंधा वो नहीं कर पाता है, दुकान पर बैठना है दुकान पर नहीं पाएगा। एक टीचर है, उसका नॉर्मल जॉब जो है वो टीचिंग करना है, तो एक व्यवहार जाके टीचिंग करना, तो टीचिंग कर ही नहीं पाएगा या क्लास नहीं ले पाएगा। तो एक तरह से उसका जो वर्क आर्थिक कार्य जो है वो उसका प्रभावित होगा। ठीक वैसा ही सोशल एडजस्टमेंट जो है वो भी उसका प्रभावित होता है। मतलब सोशली वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, लोगों से मिलजुल नहीं पाएगा, लोगों से अपनी बात जो है वो नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर व्यक्ति जो होता है वो लोगों से बिल्कुल बातचीत बंद कर सकता है या लोगों के साथ क्या कर मारपीट कर सकता है। तो इस तरह का व्यवहार जो है वो कर सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल इंपेयरमेंट भी होता है, इसमें ज़्यादातर सेक्सुअल प्रॉब्लम जो होती है जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन आ सकती है, हाइपर सेक्सुअल जो है वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार का इंपेयरमेंट जो है वो साइकोसिस के अंदर तो देखने मिलता है। जबकि न्यूरोसिस के अंदर ये सभी इंपेयरमेंट जो होते हैं वो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकते हैं, कम ही प्रभावित होते हैं। मतलब व्यक्ति जो है वो अपना जो दैनिक कार्य जो है वो भी कर लेगा, सामाजिक कार्य जो होता है उसमें भी रुचि ले लेगा, लोगों के साथ मिलना जुलना भी कर लेगा, जॉब जो है उस पर जाएगा, जॉब पर जो अपना काम है वो भी कर लेगा। हाँ, जॉब पर जाके थोड़ा बहुत उसका कार्य जो है प्रभावित हो सकता है, काम की जो एफिशिएंसी जो होती है उसकी वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ही बंद हो जाए या इम्पेयर हो जाए ऐसा इस न्यूरोसिस के अंदर नहीं होता है। तो एक तो अंतर जो है ये हो जाएगा। इसके अलावा साइकोसिस के अंदर मेमोरी जो होती है, मतलब स्मृति जो होती है, याददाश्त जो होती है वो प्रभावित होती है, वो चीज़ों को अच्छी तरह से याद नहीं कर पाएगा, उसको चीज़ें जो होती है वो याद रहती नहीं है, वो भूल जाएगा। अटेंशन जो होता है वो भी उसका प्रभावित होता है कि वो बराबर ध्यान नहीं दे पाता है या बात कर रहे हैं तो बातों पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा। इसके अलावा बुद्धि जो होती है उसको इंटेलिजेंसी वो भी क्या होती है प्रभावित होती है उसकी, वो अपने जो दैनिक कार्य जो होते हैं हम नॉर्मली अपने दैनिक जो काम होते हैं वो हमारी बुद्धि के द्वारा करते हैं। तो साइकोसिस के अंदर क्या होता है कि वो बुद्धि जो होती है उसकी वही प्रभावित हो जाएगी, अपने दैनिक कार्य जो है वो नहीं कर पाएगा। जैसे सिंपल अगर कपड़े पहनना है, नहा के कपड़े पहनना है, तो ये नहाना है, कपड़े पहनना है, ये सब कौन कराता है, हमारी बुद्धि जो है वो करवाती है। तो साइकोसिस के अंदर वो बुद्धि जो होती है इतनी प्रभावित हो जाती है कि वो अपने दैनिक कार्य जो होते हैं वो भी क्या है नहीं कर पाएगा। जैसे उसके रूटीन एक्टिविटी जो होती है दैनिक कार्य वो भी क्या होते हैं उसके प्रभावित होते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंसी जो है उसकी क्या हो रही है प्रभावित हो रही है, अटेंशन प्रभावित हो रहा है उसके कारण से। जबकि न्यूरोसिस के अंदर ऐसा नहीं है, उसकी मेमोरी जो है वो क्या हो सकती है थोड़ी बहुत उसके प्रभावित हो सकती है, वो भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का न्यूरोसिस की कंडीशन है। यदि बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अंदर है तो उसकी जो याद करने की क्षमता जो है वो थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है, उसका अटेंशन जो है वो प्रभावित हो सकता है। अटेंशन प्रभावित होने का कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एंजाइटी जो है वो, तो उसके कारण से क्या होता है उसके दिमाग के अंदर विचार आते रहते हैं, विचारों के कारण से वो बाहरी चीज़ों पर ध्यान जो है वो प्रॉपर नहीं दे पाएगा। तो ध्यान है, मेमोरी है या उसकी रूटीन एक्टिविटीयाँ जो है उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, मतलब अफेक्टेड नहीं होती। तो एक तो ये तो हो जाएंगे इसके सिम्टम जो है उसके अंदर अंतर के, दोनों के लक्षणों में क्या अंतर है वो। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर अंतर। तो साइकोसिस जो है उसको तो हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर उसको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको ओपीडी के अंदर ही ट्रीटमेंट जो है दे दिया जाता है। एक थेरेपी की अगर बात करते हैं
तो साइकोसिस के अंदर ईसीटी जो होता है, इलेक्ट्रोकरंट थेरेपी जो होती है, वो देने की आवश्यकता पड़ सकती है या दिया जाता है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर ईसीटी जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती, मतलब ईसीटी जो है ज़्यादातर न्यूरोसिस में नहीं दिया जाता। ड्रग अगर देखते हैं तो साइकोसिस के अंदर एंटी साइकोटिक ड्रग जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि न्यूरोसिस जो है उसके अंदर ट्रैंक्विलाइजर जो होती है, सीडेटिव जो होते हैं या एंटी एंजाइटी ड्रग जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक थेरेपी जो है उसमें तो साइकोसिस के अंदर मिलियो थेरेपी जो होता है या ग्रुप थेरेपी जो है वो ज़्यादातर काम में ली जाती है, जबकि न्यूरोसिस जो होता है उसके अंदर बिहेवियर थेरेपी जो है वो ज़्यादा प्रभावी होती है। तो ये तो इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें अंतर हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं अपन उसका प्रोग्नोसिस के, दोनों के प्रोग्नोसिस में क्या अंतर है। तो साइकोसिस जो होता है वो पहले बता दिया सीवियर टाइप की मेंटल इलनेस होती है, मतलब गंभीर प्रकार की मानसिक रोग होती है, इसके कारण से इसका प्रोग्नोसिस जो होता है वो पुअर होता है। एक बार ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद इसको ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। इसके अलावा एक बार ठीक हो गई तो उसके पुनः होने की संभावना भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब पुनः वापस दोबारा होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। जबकि न्यूरोसिस जो है उसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, गुड होता है। ट्रीटमेंट जो है या थेरेपी जो होते हैं उसके द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है और वापस दोबारा होने की संभावना जो है वो भी क्या इसके अंदर कम रहती है। तो ये तो हो जाएगा साइकोसिस और न्यूरोसिस, दोनों के बीच में क्या अंतर है वो, इसको बहुत फास्ट से मैंने कवर किया था ताकि कम समय के अंदर पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। यदि आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो भी धीरे धीरे, तो आप कमेंट करना, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक देखने के लिए कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।